गुड मॉर्निंग डेडियन। नमस्ते भाया। अस्सलाम वालेकुम डेडियन साहब। इस तरह अचानक यहाँ आने का मतलब? आज से 18 साल पहले हमने दीनदयाल नाम का एक आदमी को मर्डर केस में फंसाया था, और उस दीनदयाल शर्मा का अब एक हमशक्ल पैदा हो गया है। नाम है उसका शेरा शेरा, और वो हम तीनों के पीछे साए की तरह पड़ा हुआ है। राधेश्याम राधेश्याम। हमें डर है कहीं वो आप तक पहुंचने की कोशिश न करे। आप खामोश क्यों हैं डीडीएन साहब? हम जब सोचते हैं तो बोलते नहीं, और बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर। जब हमारा दिमाग चलता है तो जुबान रुक जाती है, और जब जुबान खुलती है तो उससे दुश्मनों की चिता की आग बरसती है। लगता है अब बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, जो हमारे कहकहों से शुरू होगी और दुश्मनों की मौत की आवाज में खत्म हो जाएगी। अरे खुल्लम खुल्ला रोड पर चिपकम चिपकी चालू। अरे ए मंजू के भाई, ए लाला की माँ, कमले तो कौन है रे? अरे बिल्लू तू, सब ठीक तो है ना? ये क्या? अरे क्यों बे तड़ी पार, साला तेरे जैसा 10-15 और सड़क चाप मजनू पैदा हो गया ना, तो गवर्नमेंट रोमांस पर भी टैक्स मार देगी क्या? किसिंग टैक्स, टचिंग टैक्स, लुकिंग टैक्स। देख देख बिल्लू, इधर आ देख, हम उनका ना बहुत इज्जत है, तू वो इज्जत को फालतू में। अरे साला रहने दे, खुल्लम खुल्ला सड़क पर चिपकम चिपकी करता और इज्जत का बात करता है, ये वो चुप रहे क्या? कौन सा? अरे साला बिल्लू से रोज उधार लेकर किस पर लाइन मारता है, बोल दूं क्या? नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, ये छोकरी तूने मस्त पटा ले रे। थैंक्स। वैसे आप उनका बड़ा भाई ने भी एक बहुत मस्त छोकरी पटाया लाए। क्या? कौन छोकरी? जिससे आप उनका बड़ा भाई शादी बनाने वाला है। किससे? देख अपनी से और वो उससे। ये उससे कौन है बताना? देख देख बिल्लू, वो अपन का बड़ा भाई का पर्सनल मामला है, और अपन का बड़ा भाई का है ना पर्सनल मामले में टांग नहीं डालता है। साला सीधी तरह से बता देगी। देख बिल्लू, अपन का इज्जत रख के तू प्यार से चली जाएगी ना शर्ट छोड़ के, तो अपन तेरे को बता देगा। अच्छा चली जाऊंगी, जल्दी बता। ए देख बता दूं क्या? बताना। तू जाएगी? हाँ। प्रॉमिस? ए तेरे से और किससे पागल। हे बिल्लू, टकलू, क्यों बे? मैंने तो तेरे को भेजा था पोस्टमैन बनाकर, तू भिखारी बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। बिल्लू कार लेकर तुम्हारी कराने गया था शादी, और शेरा ने देखो कर दिया मेरी बर्बादी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मतलब शेरा की माँ पति नहीं क्या? अरे वो पति की नहीं पति, लेकिन मेरी फट गई। ओ गॉड, हेल्पर कार्ड वाला, हॉल वाला, पैंड वाला, फूल वाला, और वो पादरी, सबको पता चल गया कि मैंने मजाक किया है, तो मेरा क्या होगा टुकलू? मेरी तरह तू भी फट जाएगी। ओ शट अप, सोचने दो। ओ गॉड गॉड प्लीज हेल्प मी, मेरे शेरा को भेज दो मेरे पास, प्लीज प्लीज प्लीज, आई डू नाइन एविनस प्लीज। चला बताया हुआ हर अड्डा छान मारा, एक एक बार एक एक कसिनो, लेकिन उन तीनों कमीनों का कुछ नहीं पता चला। बड़े भाई अपन को भी वो तीनों कहीं नहीं मिले, पता नहीं साले कहां जाकर छुप गए। अरे इस तरह अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा मैन, आप उनका खोपड़ी में एक ही बात आता है, अगर तुमको समझना तो समझो, नहीं तो फिर बोलेगा अरे बाबा तेरी खोपड़ी में क्या है बोलना। नहीं नहीं देख, पीटर राधेश्याम और निसार को तलाश करने से पहले आप उनको एक बात का जानना बहुत जरूरी है, कि तुम्हारे फादर को सजा क्यों हुई, उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया
उन तीनों ने ऐसी कैसी गवाही दी जिसे उसे उम्र कैद की सजा हो गई। और मेरे को लगता है कि इन तीनों सवालों का जवाब क्या नाम इसका क्या नाम है तुम्हारी शकुंतला देवी ना वो दे सकती है। जानना चाहते हो उस पार्टी में क्या हुआ? 21 अक्टूबर की वो काली रात थी जिसने तुम लोगों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। आइए सर जी आइए। हर 5 मिनट के बाद सर जी आप ही के बारे में पूछ रहे थे। वेलकम सुंदरदास जी वेलकम। आइए आइए वाह भाई दोस्तों हमारे खास मेहमान के लिए खास धुन बजाइए। अरे नहीं नहीं साहब तो सिर्फ दोनों ही जल पीते हैं या तो नलका जल या गंगा जल। गुड वेरी गुड सेठ सूरज प्रकाश जी। अरे उनको यहीं बुला लो ना यहीं बैठ के गपशप करते हैं। कॉल हिम ओवर। यस सर। हाय हाय चलो अंदर चलते दीनदयाल ने मेरा खून कर दिया दीनदयाल। सुंदरदास जी मरते मरते किसी शरीफ आदमी के गले में मौत का फंदा मत बनाइए। सच बोलिए दीनदयाल ने मेरा खून कर दिया। सर जी ये झूठ है सर जी। मैंने कोई खून नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया ये झूठ बोल रहा है। सुंदरदास जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे सर जी। मेरा यकीन कीजिए मैंने कोई खून नहीं किया। अब तुम ही बताओ शेरा अगर इन जीती जागती तस्वीरों को देखकर मैंने तुम्हारे पिता को सजा दिलवाई तो क्या कसूरवार मैं हूँ? नहीं शकुंतला जी कसूरवार तो वो है जिन पर शेरा का बहुत जल्द वार होगा। कसूरवार तो वो है जिनकी गर्दनें शेरा के फौलादी पंजे में बहुत जल्द होंगी और वो खूनी मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। शेरा ये थे तुम्हारे पिता के मुलजिम न होने की पहले और आखिरी गवाह। ये शशि के पति थे इनको 2-4 धमकी भरे खता है कि ये दीनदयाल के खिलाफ कोई गवाही न दे पर ये अपने जिद पर अड़े रहे और एक दिन किसी जरूरी काम से वो कनाडा गए पर वहां से लौटकर कभी नहीं आए। प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया। सबूत और गवाही की आशा उनके साथ ही खत्म हो गई। शेरा परिवार सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा भी बर्बाद हुआ है। शशि मेरी छोटी बहन शशि विधवा हो गई पिंकी अनाथ हो गई और तुम्हारे पिता दीनदयाल की हत्या ने तो सिर्फ इस घर की बुनियादों को ही नहीं बल्कि हमारे दिलों को भी हिलाकर रख दिया है। बड़े भाई अभी अपन को पूरा विश्वास हो गया है कि कातिल के घर तक पहुंचने वाली सीढ़ियां उन तीनों के घर के चौकट से ही शुरू होती है। नहीं छोटे उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमें उन तीनों के घर की चौखट तो क्या हमारे बीच आने वाली हर दीवार को तोड़ देंगे। बदला लेंगे हम अपने पिताजी की मौत का बदला। बदला हम जरूर लेंगे शेरा। खेल वही पुराना होगा और खिलाड़ी होंगे हम। है है हमारी फोटो आया। अरे मैं तो जिंदा हूँ फिर ये कौन है जो पिछले 10 साल से मेरे मरने की बर्फी मना रहा है? अखबार फाड़ने से परेशानी कम नहीं होगी राधे श्याम। अरे परेशानियाँ तो मरने के बाद भी कम नहीं होगी भाया। तुझे अल्लाह के घर जाके मार खानी है और मुझे भगवान के हाथों। हम सबने मिलकर इतने कुकर्म इतने गंदे गंदे काम किए हैं उसी का ये नतीजा है। जीते जी मारी बर्फी मनाई जा रही है। देखो राधे श्याम ये तस्वीर छपवाने वाली
शकुंतला देवी है। शकुंतला देवी, शकुंतला देवी मशहूर वकील, जिंदगी भर कानून का साथ चलने वाली, आज एक उम्र कैद काट के आने वाले मुजरिम से घबरा के यहाँ। आपको देखकर लगता है जैसे जुर्म से अदालत घबरा गया हो, पाप से पुण्य डर गया हो, शैतान से भगवान कांप गया हो। शकुंतला देवी जी, अगर मुजरिम जेल से छूटने के बाद इस तरह गवाहों के पीछे लग जाए तो हम जैसे शरीफ लोग तो गवाही देने के लिए कोर्ट की सीढ़ियां ही ना चढ़ें। निसार खान, कानून जुर्म करने वालों को सजा देने के लिए न्याय का एक रास्ता बनाता है तो जुर्म करने वाले उसे बचने के लिए 10 रास्ते निकाल लेते हैं, जिनमें से 9 रास्तों की खबर तो कानून को होती है, लेकिन कभी कभार असली मुजरिम 10वें रास्ते से बच निकलता है। आप कहना क्या चाहती हैं? पीटर, जख्मी सांप बहुत खतरनाक होता है, जिसको भी वो एक बार अपनी आंखों का निशाना बना लेता है शिकार किए बिना नहीं छोड़ता। मगर आप लोग होशियार रहिएगा, क्योंकि दीन दयाल मरते दम तक आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। भाई, मैंने तो पुलिस की मदद ले ली है, मेरे ख्याल से आप लोग भी मदद ले लें तो बेहतर होगा।